गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जा रही हूँ नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, इसकी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हैं, जाकर के देख लेना। ओके सो इस बार मेरा प्लान है नॉर्थ गोवा का, क्योंकि नॉर्थ गोवा काफी क्राउडेड है, मैंने सुना बहुत अच्छा है, बट मैंने विजिट नहीं किया था। तो मेरा सडन एकदम प्लान बना कि हाँ यार मुझे भी जाना चाहिए। सो मैंने जल्दी जल्दी से टिकट बुक कर लिया और इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी बैंगलोर टू गोवा की जर्नी, वो भी सोलो ट्रिप कर रही हूँ इस बार मैं फर्स्ट टाइम। मैं अपने ट्रैवल बड़ी को बहुत मिस करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ काम की वजह से वो मेरे साथ में नहीं आ पा रहा है। सो मुझे इस बार अकेले जाना पड़ रहा है, ये भी मतलब एक नया एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा डर लग रहा है कैसे करूंगी, क्या होगा सारा कुछ, बट आगे जो भी होगा मैं सारा कुछ आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। सो इस वीडियो में आप मेरी बैंगलोर टू गोवा की बस जर्नी देखेंगे। और इस बार मैंने एसी स्लीपर बस बुक किया है जिसमें साथ में वॉशरूम भी है। ओह माय गॉड, मैं इसके लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि 13-14 घंटे का सफ़र है तो बीच में वॉशरूम वगैरह ऑब्वियसली लगता है। तो बस ये चीज़ था कि वॉशरूम हो, और फाइनली मेरे को बस ऐसी मिल गई जिसमें वॉशरूम है और उसमें ब्लैंकेट, सारी चीज़ें आ गई बस में। मैं आपको बस का टूर कराती हूँ, तो चलो टाइम भी हो रहा है, मेरा ओला भी आने वाला है, तो मिलते हैं बस में। ओके तो मैं निकल चुकी हूँ बस के लिए, और जाते जाते ये मेरा सारी एक्साइटमेंट चली गई, क्योंकि जहाँ से मेरा पिकअप पॉइंट था वहाँ पे ये पिकअप करने के लिए नहीं आए। वहाँ वेट करने के बाद मैंने इनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पिकअप पॉइंट दूसरी जगह से है, जो कि उस पिकअप से वहाँ पिकअप पॉइंट का 2 घंटे का रास्ता। मैं दोबारा से गई, जितना कुछ मैं खाने का आइटम बस के लिए लेके आई थी मैं उधर ही वेट करते करते खाई, वड़ा पाव फेंटा ये सब मैंने उधर ही खा पी लिया। और फिर जब वहाँ पिकअप पॉइंट पर पहुँची उसके बाद वहाँ पर 2 घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, मतलब ओवरऑल 4-5 घंटा बर्बाद कर दिया। फिर फाइनली बस आ गई, उसके बाद अंदर का लुक नो डाउट बहुत अच्छा था, फुल एसी बस थी, स्लीपर, फुल एसी स्लीपर, अंदर का इंटीरियर लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, पिलो दी गई थी साथ में ब्लैंकेट भी था, बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे भी एक चीज़ धोखा हुआ, वॉशरूम बोल करके इसमें वॉशरूम नहीं था। जब मैं बुकिंग कर रही थी वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि वॉशरूम है इस बस में, बट वॉशरूम नहीं था, ना वाटर बॉटल प्रोवाइड की गई थी। मतलब क्या ही बोलो, 12 बजे के बाद लाइटिंग जो रीड वो क्या कहते हैं लाइटिंग सिस्टम होता है वो भी बंद था। ये नहीं रीडिंग मतलब अगर आप छोटा थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे हो तो एक छोटी सी लाइट रहती है, वो उसका सिस्टम भी ऑफ था। तो मुझे इनकी सर्विस सीरियसली अच्छी नहीं लगी, बस अच्छी थी, अंदर का लुक बहुत अच्छा था, बट लेकिन ना वॉशरूम था ना वाटर बॉटल था, ऊपर से पिकअप पॉइंट तो बहुत ही ख़राब, 5-6 घंटा मेरा बर्बाद हो गया इसमें। बट हाँ, रात भर का सफ़र अच्छा रहा। अगर बैक की सीट लेते हो आप तो थोड़ा सा मतलब यू नो ज़्यादा उछलता उछलता है, क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा, और इसका टिकट भी काफ़ी कॉस्टली पड़ा मेरे को। मैं सोची थी कि वॉशरूम है तो इसलिए जल्दी से कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को एसी का जो ट्रेन का टिकट था ना वो इससे कम रेट में मिल रहा था मुझे। बट मैंने कहा छोड़ो, अभी तो पचका हो ही गया था, बट कोई नहीं, फिर भी मैंने इन्जॉय किया। बीच में ढाबे पे एक जगह रुकी थी वॉशरूम के लिए, मैंने कर लिया था। और बाकी यह है फाइनल लुक, पेट्रोल पंप पे था तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गोवा का बहुत अच्छा ट्रिप मैंने प्लान किया है, आगे सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। ओके बाय।